भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाने में देश के कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवा दी। उनकी कुर्बानियों की बदौलत ही हम आज आजादी के साथ जी पा रहे हैं। कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी हैं जिन्होंने अंग्रेजों से इस लड़ाई में अपनी जान तक गंवा दी, लेकिन उनकी इस कुर्बानी को ज्यादातर देशवासी आज भी नहीं जानते। इन्हीं में एक हैं तारा रानी श्रीवास्तव। तारा रानी एक ऐसी महिला जिन्होंने ब्रिटिश काल में लाठीचार्ज में पति को खोकर भी तिरंगा फहराया। तारा रानी उन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी जिन्होंने राष्ट्र ध्वज को अपने पति की जान से भी ज्यादा सम्मान दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते बिहार के सिवान पुलिस स्टेशन की छत पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। तारा रानी का जन्म बिहार की राजधानी पटना के नजदीक सारण जिले में हुआ था। कहा जाता है कि बचपन से उन्हें तिरंगा बेहद प्रिय था, वह इसके लिए जान भी दे सकती थी। कम उम्र में ही उनकी शादी जाने माने स्वतंत्रता सेनानी फुलेंदी बाबू से की गई। अपने पति फुलेंदु बाबू की तरह ही तारा रानी भी देश को आजादी दिलाने के लिए हर कदम पर उनके साथ रहती थी। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के ऐलान के बाद देश भर में प्रदर्शन और आंदोलन तेज हो गए थे। पूरा देश एक नए जोश के साथ आजादी के लिए पूरे दमखम से आंदोलनरत था। बिहार के सीवान में फुलेंदु बाबू भी जन सैलाब के साथ थाने की तरफ बढ़ चले। तारा रानी इन सभी का नेतृत्व कर रही थी। तारीख थी 12 अगस्त 1942 की। कौन जानता था आज का दिन जो आगे चलकर तारा रानी के लिए सबसे दर्दनाक दिन साबित होगा। तारा रानी अपने पति के साथ सभी को लेकर आगे बढ़ रही थी। भारी हंगामे के बीच पुलिस ने लाठी बरसाई। इसके बाद भी जब भीड़ नहीं रुकी तो पुलिस गोली चलाने लगी। इसी बीच तारा रानी के पति फुलेंदु बाबू पुलिस की गोली लगने पर घायल हो गए। आगे बढ़ती भीड़ से निकलकर तारा रानी पति के पास गई, उनके घाव पर पट्टी बांधी। फिर जो उन्होंने किया वह शायद ही कोई कर सकता था। वे वापस मुड़ी और पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ चली। तिरंगा लहराना था, तिरंगा लहराया फहराया। जब वापस लौट के वे अपने पति के पास आई तब तक उन्होंने अपने पति को खो दिया था। उनके अंतिम संस्कार में भी वे खुद को मजबूत बनाए खड़ी रही। 15 अगस्त 1942 को छपरा में उनके पति की देश के लिए कुर्बानी के सम्मान में प्रार्थना सभा रखी गई। अपने पति को खोने के बाद भी तारा आजादी और विभाजन के दिन 15 अगस्त 1947 तक गांधी जी के आंदोलन का अहम हिस्सा बनी रही। निडर और बहादुर तारा रानी अपने प्रियजन को खोने के बावजूद अपने दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया। तारा रानी देश की उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि और रूढ़िवादी परिवार से आती हैं। औपचारिक शिक्षा नहीं होने के बावजूद निस्वार्थ रूप से देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाली। आज आजादी के अमृत काल में जरूरी है तारा रानी जैसे अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे महत्वपूर्ण चेहरों को गुमनामी से बाहर लाएं और उनके अतुल्य बलिदान से वर्तमान और भावी पीढ़ी को अवगत कराएं।